हेलो ऑल, मैं हूँ मारावत और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ केएफसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 5 चिकन लेग पीस ले लिए हैं, वॉश करके इनमें ये कट मार्क दे दिए हैं ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जा सके। और आप इस रेसिपी में चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 कप मैदा लेना है ये कोटिंग के लिए, और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लेना है। इसके अलावा हम लेंगे मैरिनेशन के लिए 1/4 कप दही, यानी कि 4 चम्मच दही लेना है। इसके साथ ही हम लेंगे 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तीनों चीजें मैंने एक साथ ग्राइंड कर ली हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर होममेड भी। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आप यहाँ पर व्हाइट पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, सफेद काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच पेपरिका, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स, ओरिगेनो, बेजिल लीफ, रिफाइंड ऑयल फॉर फ्राई, लेमन। कोटिंग के लिए ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स या फिर ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। 1 एग लेना है। सबसे पहले चिकन का मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक बोल में दही लेंगे, साथ में चिली गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 2 टीस्पून, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार 1 टीस्पून, लेमन पूरा 1 नींबू लेंगे हम यहाँ पर, अच्छे से मिक्स करेंगे विस्कर या फिर किसी भी फोक की सहायता से। मैरिनेशन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें सारे चिकन के पीसेस अच्छे से कोट करेंगे और हाथों से अपने रब कर देंगे ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक जा सके। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे। आप इसे कम से कम 2 घंटे जरूर रखें ताकि मीट अंदर से टेंडर हो सके। अब हम चिकन की कोटिंग तैयार कर लेंगे। 1/2 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 छोटा चम्मच पेपरिका, 2 छोटे चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर का, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, मिक्स हर्ब डालेंगे 1/4 चम्मच, ओरिगैनो 1/4 चम्मच, बेजिल लीफ 1/4 चम्मच, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे कुछ गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, नमक 2 छोटे चम्मच, मिक्स करेंगे अच्छे से और साइड रख देंगे। अब कोटिंग के लिए हम 1 अंडा लेंगे और बटर मिल्क लेंगे 4 चम्मच, मिक्स करेंगे अच्छे से, कुछ मसाले डालेंगे नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स कर देंगे अच्छे से, ब्लैक पेपर 1/4 चम्मच लेना है यहाँ पे। हमारा चिकन 3 से 4 घंटे रेस्ट कर चुका है अच्छे से, अब ये काफी टेंडर हो चुका होगा अंदर से। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे कोटिंग देंगे एंड देन डीप फ्राई करेंगे। तो हमने ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन को इस स्पाइसी आटे के मिक्सचर में कोट करेंगे, उसके बाद हम अंडे और बटर मिल्क के मिक्सचर में कोट करेंगे इसको। अब एक बार और हम आटे में कोट करेंगे इसे। एक बार बटर मिल्क में एंड देन हम इसे ओट्स की कोटिंग देंगे। आप ओट्स की जगह पे ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या फिर प्लेन कॉर्नफ्लेक्स आते हैं वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। तो हमारा 1 चिकन लेग पीस ये देखें, ये रेडी है फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे चिकन पीसेस रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। चिकन को तेल में डालते टाइम गैस फ्लेम सिम कर देंगे।
गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करना है, फ्राई करना है। चिकन टेंडर हो चुका है मैरिनेशन के बाद, तो पकने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से ये अंदर तक कुक हो जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। हमने बस इसी बात का ध्यान देना है कि इसे हमें हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, अदरवाइज ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे चिकन पीसेस एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब इन्हें हम किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे इनके एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए, और फिर सर्व करेंगे इन्हें सॉस के साथ। तो गाइज लीजिए, तैयार है यहाँ पर गर्मा गर्म केएफसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन। सर्व कीजिए इसे किसी भी डिप के साथ। और गाइज अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करें। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।